नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। बात करेंगे जनवरी जो कि होगा 2019 का पहला महीना, कैसा रहेगा आप सबके लिए। धीरे धीरे एक एक राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। शुरुआत में हम जानने का प्रयास करते हैं कि जनवरी का जो महीना है वो किस तरह से खास है और कौन कौन से त्यौहार इस समय आपको देखने को मिलेंगे और क्या ग्रहों की स्थिति, गोचर की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, दो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जनवरी में। पहली घटना होगी 6 जनवरी 2019 को, क्योंकि दो ग्रहण जो हैं वो जनवरी में आपको देखने को मिलेंगे। 6 जनवरी 2019 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो सुबह 5:04 से लेकर 9:18 तक रहेगा। 4 घंटे का ये जो है रहेगा कुल मिलाकर। साथ ही साथ ये भारत में नहीं दिखाई देगा और उत्तर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में ये आपको दिखाई देगा। एक तो घटना ये होगी। साथ ही साथ 21 जनवरी को पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो रहेगा और ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन जनवरी में क्या होने वाली स्थिति वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा त्योहारों की तरफ अगर हम देख लें तो नववर्ष की शुभकामनाएं रहेंगी। 1 तारीख को मंगल से स्टार्ट होगा साल। वहीं लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा और 15 तारीख को पोंगल और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं 26 तारीख को गणतंत्र दिवस आपका रहेगा और 27 तारीख को विवेकानंद जयंती आप मनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुआ आपके त्योहार और आपके ग्रहण के बारे में जानकारी। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आप लोग राशिफल जानते हैं। तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों का जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये जो महीना आपका रहेगा इसमें सूर्य जो चलेंगे वो आपके 8वें भाव में चलेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, ये लगन के हिसाब से है, सूर्य राशि और चंद्र राशि के हिसाब से ये नहीं है। क्योंकि ये डिमांड मेरे पास बहुत प्रिसाइसली आ रही थी कि लगन पे बनाइए, तो आपके लिए लगन पे ही बनाए जा रहे हैं। तो सूर्य जो है वो आपके 8वें भाव में यहाँ गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़े छोटे मोटे रोग यहाँ पर आपको शुरुआत में, चिड़चिड़ापन भी आपको देते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवेश, गुस्सा, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होते हुए दिखाई देंगी। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, खासतौर से अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या आप नौकरी करते हैं प्राइवेट में, तो अपने जो अधिकारी हैं उन लोगों से थोड़ा सा बचकर चलें, उनसे ज़्यादा पंगेबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। मंगल आपके 11वें भाव में भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो स्वास्थ्य ऐसे महीने जैसे स्टार्ट होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरे महीने आप जो है प्रॉब्लम में रहने वाले हैं, और आपके कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शत्रु दबेंगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता हुआ जाएगा और उत्साह बढ़ा रहेगा आपका, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से किसी को एडवाइस देते हुए दिखाई देंगे। बट ये है कि चढ़ाव उतार करने वाली जो चीज़ें होती हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपके साथ चढ़ाव उतार करते हैं। और आपको किसी के साथ किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के साथ आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप इस समय ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा और आपकी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका आप पूरा उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। उसको आप कहीं व्यापार इत्यादि में आप लगाते दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं जो आमदनी है उसमें क्या कहते हैं बढ़ोतरी होगी। और रिश्तेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं घर पे आते हुए गतिविधियाँ, मतलब हमें मेहमानदारी काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी, या आप किसी घर किसी मेहमान के यहाँ जाते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं जो आपका अगर बच्चा है तो उसके जो काम होंगे उससे आपको काफ़ी ज़्यादा गर्व या महसूस होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो बृहस्पति हैं वो 7th हाउस में चलेंगे, तो ये कई तरीके से भाग्यशाली रहेंगे आपके लिए। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो जैसे जैसे महीना आपका प्रोग्रेस करता रहेगा वो आपका जो है बढ़िया रहेगा आपका। और जो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, कोई फाइनल डील करना चाह रहे थे, तो उसमें मीडिएटर के थ्रू आप काम करते हुए यहाँ दिखाई देंगे। अगर आप अनमैरिड हैं और लव विवाह, प्रेम विवाह जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हैं तो काफ़ी समय सही रहेगा। अपने घर में बात भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप विवाहित हैं तो आप संतान के प्रति थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं।
और कहीं ना कहीं अच्छा समय मैं कहूँगा ये रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी राशि से सातवें भाव में भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे तो वो काफ़ी सही रहेगा। वहीं शुक्र जो चल रहे हैं वो छठे भाव में चलते हुए दिखाई देंगे, तो यह थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। थोड़ा सा सूझबूझ से काम लें तो बेहतर कर लें, अपनी होमवर्क अपना बहुत अच्छे से कर लें, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आगे चलकर आपको दिक्कत हो। और बस विश्वास, आंख बंद करके पूरे महीने आप किसी का ना करें फैक्ट्स पे, और जो आपसे कुछ कराने को बोल रहा है बस आप उसका ध्यान रखें कि उससे पूछें कि भाई तुम मुझसे ये कह रहे हो तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक जानने की प्रयास आपको पूरा करना है। और किसी के ऊपर ज़्यादा अननेसेसरी क्रोध बिल्कुल भी नहीं करें। जहाँ तक आपके पारिवारिक जीवन की बात है तो वो खुशियों भरा रहेगा, आप सक्रिय रहेंगे, साहसी रहेंगे और नया काम करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। अगर आप एक कमीशन बेस पे काम करते हैं तो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सडन गेन होने के परिपेक्ष यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ मामलों में आपको अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ेगा, असमंजस की स्थिति पैदा होगी, करें ना करें ना करें, लेकिन अगर आप फैक्ट पे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है फिर कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत जो है वो होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये हुआ आपका पूरे महीने का एनालिसिस। दिन खट्टे मीठे रहेंगे कुछ कुछ, लेकिन अपने आप पर अगर आप भरोसा करके चलेंगे पूरे महीने तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, कमेंट करके लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचते, फिर आप शिकायत करते हैं मुझसे। एनालिसिस करने के लिए 9411-8485-08 मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस आर पेड, उसकी निश्चित धनराशि आपको देनी होगी और 3 से 4 दिन का समय आपको हमें देना होगा। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना आशीष हमें देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।